सातवें मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम शकीश चंद्रशेखर ने कहा है कि डांस गैलूर फतीह अदाकारा जैकोलिन फर्नांडिस से हसद करती है। भारतीय टीवी के मुताबिक शकीश चंद्रशेखर ने अपने बयान में कहा है कि नूरा फतेही अपने जैकोलिन फर्नांडिस के खिलाफ बरगलाती थी ताकि नूरा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। नूरा मुझे दिन में कम अज़ कम 10 मरतबा फ़ोन करने की कोशिश करती थी। अगर मैं इनका फ़ोन ना उठाता तो वो मुसलसल कॉल करती रहती। ख्याल रहे कि दो दिन कब नूरा फतेही ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाप्त के दौरान अदालत में बयान दिया कि शकीश चंद्रशेखर ने वादा किया था कि अगर वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो उनके बड़ा घर और बेहतरीन लाइफस्टाइल देंगे। बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर ने अपनी नई फिल्म तू झूठी मैं मकार का पोस्टर शेयर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नई फिल्म तू झूठी मैं मकार का पोस्टर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में अदाकारा ने लिखा है कि तस्वीर में नजर आने वाले अफराद इतने करीब नहीं हैं जितने नजर आ रहे हैं। अदाकारा ने पोस्टर शेयर करते हुए अपने मदाओं को इतला दी कि फिल्म का ट्रेलर 23 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानवी मजाया फिल्म तू झूठी मैं मकार को 8 मार्च को होली के मौके पर पूरी दुनिया में रिलीज किया जाएगा। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने ऐलान किया है कि वो अपनी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस से खुद को अलहदा कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जारी पैगाम में शोएब अख्तर ने कहा है कि इंतहाई दुख के साथ मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि कई माह गौरव गोज के बाद मैंने फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस उसके मेकर से खुद को अलग करने का फैसला किया है और अपनी मैनेजमेंट और कानूनी टीम के जरिए मैंने मुआहदा खत्म कर दिया है। शोएब अख्तर ने मजीद लिखा है कि यकीनन ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैंने इसमें शामिल रहने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से चीज़ें बेहतर ना हो सकेंगी।